हमारा ये जो सूरज है इसे दुनिया की सब सिविलाइजेशंस तारों से थोड़ा सा अलग मानते थे, लेकिन जब साइंस का राइज हुआ तो साइंटिस्ट लोगों का ये कहना था कि ये भी एक तारा है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ जैसे कि बाकी सारे तारे, लेकिन बस ये हमसे पास इतना है इस वजह से ऐसा चमकता नजर आता है। तो सवाल उठता है कि साइंटिस्ट लोगों को ये कैसे पता चलता है कि ये तारे किन चीजों के बने हुए हैं, इनका टेम्परेचर क्या है, कौन सा तारा हमसे कितना दूर है, ये कैसे नापते हैं इन चीजों को। तो इन सब चीजों का जवाब है स्टेलर स्पेक्ट्रोग्राफी। तारों से आती हुई रोशनी को आप इन टेलीस्कोप से जब अलग अलग वेवलेंथ में देखते हैं तो हमें विजिबल लाइट के अलावा भी और चीजें नजर आती हैं, और इस रोशनी को देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा तारा किन गैसेस से बना है, उसका टेम्परेचर कितना है, तारे हमसे पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, और अगर दूर जा रहे हैं तो कितनी तेजी से दूर जा रहे हैं। ये सब चीजें हम तारों की सिर्फ लाइट देख के पहचान सकते हैं। अच्छा, अब ये स्पेक्ट्रोग्राफी होती क्या?